वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों मैं हूं आपके साथ सोनम। अगर कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए और उसका सीक्वल ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारे बॉलीवुड की सदियों से चली आ रही परंपरा है और अभी इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद आपके सामने एक ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है। मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ आपको बताती हूँ। इसमें एक काफ़ी जानदार एक्टर को लिया गया है और वो एक्टर भी कौन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बन रहा है। इस फिल्म का नाम है ओ माई गॉड। ओ माई गॉड 2 आने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार भगवान बन चुके हैं और परेश रावल जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लीड रोल कर चुके थे। अब ऐसे में परेश रावल को इस सीक्वल में नहीं लिया गया है, लेकिन इनको रिप्लेस करके जिन्हें लिया गया है वो हमेशा ही अपनी कॉमिक टाइमिंग, अपनी एक्टिंग को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी सीरियस रोल करने वाले हैं, लेकिन लीड रोल में नजर आएंगे अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक ऐसा नाम हो चुके हैं जो किसी भी फिल्म के साथ जुड़ जाए तो फिल्म बनने और दिखने से पहले ही ज़बरदस्त हो जाती है। इस फिल्म से जुड़ी हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट पहले ही कर देती हूँ। तो चलिए आपको बता दें कि ओ माई गॉड 2 में क्या खास रहने वाला है। एक तो वही कि लीड रोल में पंकज त्रिपाठी रहेंगे तो फिल्म अपने आप में ही खास बन जाती है। फिल्म की स्क्रिप्ट भी इस बार और ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें थी कि इस फिल्म को काफ़ी लिमिटेड बजट में बनाया गया है, यानी कि ये फिल्म काफ़ी लिमिटेड बजट में होगी, जिसमें लीड रोल्स को ही अच्छे पैसे दिए जाएंगे लेकिन बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं कटौती की गई है। फिलहाल तो सितंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल देखा जा रहा है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं सेफ जगह पर ही शूटिंग की जाएगी। और ये भी खबरें हैं फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से कि इस फिल्म को काफ़ी लिमिटेड टाइम में शूट किया जाएगा और फिल्म सिटी के अंदर ही एक छोटा सा शहर बसाया जाएगा, वहीं पर ही इस फिल्म की शूटिंग होगी। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी से इस फिल्म को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, करीबन 1-2 साल पहले से, यानी कि इस फिल्म का जो सीक्वल बनने की तैयारी थी वो काफ़ी पहले ही मेकर्स के माइंड में आ गया था। अक्षय कुमार तो एक साल में ही 4-5 फिल्में कर लेते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर अक्षय कुमार ने भी ये शर्त रखी है कि उन्हें फिल्म की शूटिंग जो है वो जल्द ही ख़त्म करनी है, यानी कि 1-2 महीने के अंदर। तो ऐसे में पंकज त्रिपाठी की डेट्स भी मिलना मुश्किल हो रहा था। फिलहाल तो मेकर्स ने ये सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया है, एक्टर्स को भी मना लिया है और अभी शूटिंग की तैयारी चल रही है। प्री प्रोडक्शन का काम भी पूरी तरह से हो चुका है, स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है जो कि पंकज त्रिपाठी ने पढ़ भी ली है और डायलॉग्स भी काफ़ी जानदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल तो इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट हम में है। आप क्या कहते हैं इस फिल्म को लेकर हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।